हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव मिथिलीन के बारे में। जी हाँ, आपके दिमाग में ये डाउट ज़रूर आया होगा कि सर ये एक्टिव मिथिलीन हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्टिव मिथिलीन के बारे में आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ नेम रिएक्शन है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और जिनमें एक्टिव मिथिलीन ग्रुप से कार्बनायन बनता है। ओके, तो नेम रिएक्शन कुछ इस तरह से हैं, जैसे क्नोवेंगल रिएक्शन है और एक माइकल एडिशन है। ये ऐसे रिएक्शन है जिसमें एक्टिव मिथिलीन को यूज़ करके हम एक बेस के साथ कार्बनायन बनाते हैं। ठीक है, तो आपको एक्टिव मिथिलीन क्या होता है आपको वो पता होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। जब भी CH2 ग्रुप, जिसे हम कहते हैं मिथिलीन, कुछ ऐसे दो ग्रुप से अटैच हो, जैसे कि सपोज ये G1 है और ये G2 है, जिनका स्ट्रॉन्ग माइनस M लगता हो। ओके, माइनस M मतलब माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचते हो वाया रेजोनेंस, रेजोनेंस के थ्रू। ओके, G1 एंड G2 कैन बी सेम ऑल्सो, G1 और G2 ये दोनों ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और ये अलग भी हो सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ ऐसे ग्रुप के बारे में। तो आप ले सकते हैं इसे NO2, आप ले सकते हैं एक aldehyde ग्रुप अटैच हो, या फिर ये हो सकता है एक COR ग्रुप, या फिर इट कैन बी अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इट कैन बी एन एस्टर एज वेल, और इट कैन बी एन सी डबल बॉन्ड ओ NH2 के, और इट कैन बी अ साइनाइड ऑल्सो। तो जिसमें ये R ग्रुप होता है ना, जैसे कि कार्बोक्सिलिक में आप ये R ग्रुप देख रहे हो, इनमें थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं एक ग्रुप आपको बताता हूँ, जैसे DEM, जैसे डाई इथाइल मैलोनेट, तो मैलोनिक एसिड आपको पता होगा CH2 सी डबल बॉन्ड OH होता है, और यहाँ पे भी सी डबल बॉन्ड OH। तो अगर इस आप H को रिप्लेस कर देते हो इथाइल ग्रुप से, इस H को आप रिप्लेस कर देते हो इथाइल ग्रुप से, तो बन जाता है डाई इथाइल मैलोनेट, क्योंकि ये मैलोनिक एसिड का सॉल्ट जैसा कुछ बन गया। ठीक है, तो ये है ना, इसमें ये जो मिथिलीन ग्रुप है ये इतना एक्टिव नहीं होता, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जनरली ये CO ग्रुप के साथ न्यूक्लियोफिलिक, ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है, इसके साथ रिएक्शन इतने आसानी से नहीं दिखाता। ओके, आप कह सकते हैं कि ये H प्लस निकालने के बाद, जैसे ही हम H प्लस निकाल देंगे इसका, तो ये बन जाएगा एक्टिव मिथिलीन, मतलब नेगेटिव चार्ज। चलिए मैं इसका H निकाल के आपको बताता हूँ। सपोज यहाँ पे H, ये हमने एक H निकाल दिया और इस पर चार्ज आ गया नेगेटिव, तो हम बोलते हैं कि ये इतना स्ट्रॉन्ग कार्बनायन नहीं होता कि ये इसके ऊपर अटैक कर सके। तो वो केस में हम इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर देते हैं। ऑक्सीजन को क्या करते हैं? प्रोटोनेट। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ओके, अगर यहाँ पे आप एक मिथाइल ग्रुप भी ले लें तो भी यही प्रॉब्लम होता है, जिसमें हमारा CH2 यूनिट से जो एक्टिव मिथिलीन से जो कार्बनायन बना है वो इस पे इतने स्ट्रांगली अटैक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमको ओ को प्रोटोनेट करना पड़ता है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि मैंने आपको ग्रुप बता दिए, ये हो गया नाइट्रो ग्रुप, देन यू आर हैविंग एल्डिहाइड, देन कीटोन, देन एसिड, देन एस्टर, अमाइड एंड देन साइनाइड। ओके, हालांकि आप एसिड हैलाइड भी ले सकते हैं। ओके, ये भी कुछ हद तक काम कर लेता है। तो अब हमारे दिमाग में सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि ये एक्टिव क्यों बोलते हैं इसे एक्टिव क्यों बोलते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जब भी ये CH2 यूनिट माइनस M वाले ग्रुप से अटैच होता है, इस यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, तो इसमें होता क्या है कि ये जो माइनस एम वाले ग्रुप हैं ये इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली पुल करते हैं।
ये इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचता है स्ट्रांगली, और जिसके वजह से ये एच इजीली निकल जाता है और यहाँ पे बन जाता है सी एच माइनस, और जो कि होता है रेजोनेंस में इन दोनों माइनस एम के साथ। इट्स नॉट नेसेसरी, अगर आप ऐसे कुछ ले रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर एक साइड साइनाइड हो तो भी उसमें भी रेजोनेंस में जाता है, ये इधर जाएगा और ये इस साइड, ओके, और नाइट्रोजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये स्ट्रांगली कॉन्जुगेशन में होने की वजह से ये बन पाता है, क्योंकि आपको पता है कार्बन आयन इंटरमीडिएट जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, ओके, तो नेगेटिव चार्ज गेट स्टेबलाइज ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ दिस कार्बोनिल ग्रुप, और ये हाईली एसिडिक होने की वजह से रिलीज हो जाता है, इसीलिए इस पर्टिकुलर ग्रुप को हम बोलते हैं एक्टिव मिथिलीन। के एक्टिव मिथिलीन को जानना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेलोफॉर्म रिएक्शन में भी कुछ इसके एग्जाम्पल्स आते हैं, ठीक है। तो अब ये एक्टिव मिथिलीन कर क्या सकता है, ये एक्टिव मिथिलीन इट कैन डू टू थिंग्स, आइदर इट कैन रिएक्ट विद एन अल्काइल हैलाइड, ओके, इट कैन अल्काइल हैलाइड एंड इट कैन डिस्प्लेस द हेलोजन एंड इट कैन गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैट इज SN2, ठीक है। बट उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो R है उसका बल्किनेस कम होना चाहिए, मतलब इट शुड नॉट बी टर्शरी, इट शुड नेवर बी टर्शरी, अप टू सेकेंडरी इट कैन वर्क, ओके। दूसरा ये क्या कर सकता है, इट कैन रिएक्ट विद कार्बोनिल कंपाउंड, ओके, और उसके साथ ये दिखा सकता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। वो क्यों, क्योंकि जैसे आप जानते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे है स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, तो ये अटैक करके यहाँ पे ऐसे बॉन्ड को ओपन कर देगा। तो अब दो चीज़ें हैं, या तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा या तो ये सब्स्टिट्यूशन है। एडिशन कब होगा, जब ये दोनों ग्रुप, मैं इसे ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ, जब ये दोनों ग्रुप पुअर लिविंग ग्रुप होंगे, पुअर लिविंग ग्रुप जैसे कि H, जैसे कि C, ये सब से अटैच है, तो पुअर लिविंग ग्रुप होंगे तो वहाँ पे होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और अगर ये गुड लिविंग ग्रुप होंगे, दे आर गुड लिविंग ग्रुप सच एज हेलोजन या फिर एस्टर डेरिवेटिव, तो वो इजीली निकल जाएंगे, तब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ओके, तो ये था एक्टिव मिथिलीन के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।